हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ मीनू और मेरे चैनल का नाम है एमएस किचन। जैसा कि आप सभी के पता ही होगा कि मेरे चैनल का नाम क्या है, तो आप लोग आज सोच रहे होंगे आज तो रेसिपी नहीं आई है। तो हाँ गाइस, आज मैं आप सभी के साथ में रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियोस मैंने देखी हैं, काफ़ी सभी आप लोगों के चैनल भी देखे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि आज की जो है रेसिपी को मैं स्किप करती हूँ। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर आई हूँ आज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि थंबनेल कुछ लोगों को नहीं आता है, थंबनेल कैसे हम बनाएं, कैसे लगाएं, और डिस्क्रिप्शन में हम क्या भरें, क्या लगाएं, कैसे टैग लगाएं, कैसे टाइटल लिखें, तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आप लोग फेस कर रहे हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगी आज की वीडियो। तो वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, और आपको इस वीडियो देख के बाद में कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी की प्रॉब्लम को देखते हुए ही मैं आज ये वाली वीडियो आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर जो मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं, टैग कैसे लगाते हैं, और हमारी जो वीडियो है जो रैंकिंग कैसे नहीं पकड़ती है, उसको हम रैंकिंग में कैसे लेकर, वो भी आपको मैं 100% रिजल्ट प्रूफ के साथ में आप लोगों को इसमें दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। चैनल पर न्यू है, वीडियो पसंद आती हो, यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाती रहती हूँ, रेसिपी की वीडियो भी लाती रहती हूँ। जैसे भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कैसे भी मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे लानी चाहिए, तो मैं अभी कुछ टाइम से इस टाइप की वीडियो भी लाना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए आज की जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, उसकी वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें अपनी वीडियो को अपलोड करना चाहिए, थंबनेल लगाना चाहिए, डिस्क्रिप्शन लगाना चाहिए, जो भी सारी चीजें वीडियो अपलोड करने के लिए होती है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ओपन करना है YT स्टूडियो, और इसमें जाके हमें यहाँ पर क्लिक करना है जो हमने वीडियो को अपलोड करके अनलिस्टेड में रख दिया था। तो सबसे पहले लगाएंगे हम यहाँ पर थंबनेल। थंबनेल किस तरीके से लगाते हैं आइए जानते हैं। तो आप यहाँ पेंसिल के बटन पर इस पर क्लिक करोगे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद में आप पहुँच जाओगे गैलरी में। गैलरी में आप पहुंचने के बाद में वहां से अपनी जो हमने यहां पर थंबनेल बनाकर सेव करके रखा है, आप वहां से उसको क्लिक कर लीजिए, और यहां पर आके उसको डन, आपको ब्लू लाइन में उसमें दिख रहा है, वहां पर आके सेव कर दीजिए। तो ये देखिए अब आता है नेक्स्ट स्टेप, आप डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले से इसमें डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड करके रख दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर किस तरीके से कॉपी करते हैं वो आप लोगों को मैं यहाँ पर आगे बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को आप कहाँ से कॉपी करते हैं, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सेम यहाँ पर वीडियो का एक मेरे में डिस्क्रिप्शन है जिसको मैं यहाँ पर कॉपी करने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है वही सेम उस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो ये देखिए आप यहाँ पर इसको क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इसको जो भी लिखा हुआ है उस पर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद में आपको आएगा सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल पे कर देना है, वहाँ से आप कॉपी कीजिए, बैक जाइए और जहाँ पर आपकी पहले वाली वीडियो है उसको फिर से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आप डिस्क्रिप्शन में आइए, और डिस्क्रिप्शन आने के बाद में जहाँ पर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर प्रेस करने के साथ में आप इसको पेस्ट कर दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड हैं दूसरी वीडियो के वो उसको आप इसको कट कर दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर दूसरी वीडियो डाली थी, उसके दो चार जो वर्ड होते हैं वो सेम नहीं होते हैं उसके, तो मैं यहाँ पर उसको कट कर देती हूँ। इस तरीके से आप इसको डिस्क्रिप्शन भर सकते हो। तो चलिए मोनेटाइजेशन ऑन कैसे कर देते हो। मोनेटाइजेशन पर आप इसको क्लिक कीजिए, और स्किपेबल जो वीडियो ऐड है उसको हटा दीजिए, क्योंकि जो स्किप करने वाला ऐड आता है तो गाइस सभी लोग उसको स्किप कर देते हैं। तो आप इसको यहाँ इस तरीके से हटा के सेव कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो वीडियो में ऐड आएगा कोई भी हो वो उस वीडियो जो ऐड आता है उसको स्किप नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट स्टेप आता है ऐड टैग। तो टैग किस तरीके से लगाते हैं आइए जानते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो टैग लगाना नहीं जानते हैं। तो हमने यहाँ पर ये आटा बिस्किट की इसकी रेसिपी बनाई थी, उसके डिस्क्रिप्शन में और टैग में किस तरीके से वर्ड होते हैं वो हम यहाँ पर कैसे लिखें। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड से जो भी
रेसिपी बनाई है जो सिंपल बर्ड होते हैं कि टी टाइम स्नैक्स रेसिपी, आटा बिस्किट कैसे बनाएं और कोकोनट बिस्किट किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाएं, आप इसको इस तरीके से सर्च कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप एक और भी है गाइस, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे कि आपकी वीडियो रैंकिंग करेगी और आपकी वीडियो पर 100% व्यूज़ बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो चलिए आगे हम वो भी जानते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये अपने हिसाब से जो भी मेरी वीडियो थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर टैग को लिख दिया है। जो भी कुछ लोग होते किस तरीके से यहाँ पर सर्च करते हैं वो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि कोकोनट बिस्किट कैसे बनाना है, कैसे बनाए, कैसे बनाया जाता है, वो सब यहाँ पर आप लोग इस पर लिख दीजिए। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया है। तो आपको अब करना क्या है कि हमारी जो ओल्ड वीडियो होती है उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद में आप एनालिटिक पे जाइए, वहाँ जाने के बाद पर रीच पे पहुँचिए और रीच पे पहुँचने के बाद में थर्ड नंबर का ऑप्शन आता है आपका यूट्यूब सर्च टर्म्स, आप इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद में ये देखिए आपकी वीडियो किस सर्च में है, किस टॉपिक पे आपकी वीडियो सर्च की जा रही है, यहाँ पर वो सारे वर्ड कीवर्ड आ जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए। स्क्रीनशॉट देने के बाद में ये देखिए जो भी वर्ड यहाँ पर लिखे हुए आप इसका टैग के रूप में इस्तेमाल कीजिए। इससे वीडियो आपकी वायरल में पहुँचेगी और व्यूज़ आने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, आपको ये नहीं पता होगा इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ मैं बताऊं और आपकी काफ़ी ये हेल्पफुल भी रहेगी। तो वहाँ से जो हमने स्क्रीनशॉट लिए थे उसमें देख देख के आप इसमें यहाँ पर टैग को भर दीजिए। ये देखिए जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा मतलब सर्च करते हैं किस सर्च से आ रही है आपकी वीडियो, किस सर्च में ज़्यादा रेसिपी सर्च की जा रही हैं, तो आप उसी तरीके कोई भी चैनल हो आपका, व्लॉग का हो, टेक्निकल का हो, हर किसी के में सजेशन में वर्ड आते हैं, आप वहाँ से उसको कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो लिया था वहाँ से मैं इसको देख लेती हूँ, पढ़ने के बाद में आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग कम से कम 15 से 20 जो हैं वो जितने भी हिंदी के वर्ड होते हैं जिस तरीके से हमें यहाँ पर सर्च करने होते हैं, जो भी कोई भी लोग होते हैं कि सर्च किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पर कर दी है। आप यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए और इसके बाद में हम यहाँ पर प्रीमियर किस तरीके से लगाते हैं वीडियो का, वो भी मैं आप लोगों को इसी में बताऊँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले अनलिस्टेड में आप जाइए। अनलिस्टेड में जाने के बाद में शेड्यूल पर जाइए। शेड्यूल पर आपको किस डेट में प्रीमियर लगाना है उस डेट को सिलेक्ट कीजिए और डेट सिलेक्ट करने के बाद में किस आवर में लगाना है, कौन सा घंटा और कौन सी मिनट में लगानी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। उसके बाद में सेट एज प्रीमियर लगा दीजिए और बैक हो जाइए आप वहाँ से, फिर सेव कर दीजिए। ये देखिए, तो आपका यहाँ पर वीडियो बनाने से लेके प्रीमियर लगाने तक की मैंने यहाँ पर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाई है। तो चलिए चैनल पर वापस जाते हैं और मैं यहाँ पर अपना चैनल को सर्च करती हूँ। सर्च करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो मेरी वीडियो का प्रीमियर है वो लगा है कि नहीं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर प्रीमियर लग चुका है, वीडियो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारी बताई है। वो कैसी लगी है और आप लोगों के पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया कमेंट में वो भी बताना। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी वीडियो अपलोड करने में कुछ भी हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसकी वीडियो नेक्स्ट आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगी। जो भी मैंने यहाँ पर पूरा स्क्रीन पर आप लोगों को समझाया है और एक एक बारीकी से मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके थंबनेल से लेके अपलोड करने से लेके हर चीज़ मैंने आपको बारीकी से समझाया। स्किप की होगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा और इसको वीडियो को जिस लोगों ने आप लोगों ने पूरा कंटिन्यू देखा होगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग इसी तरीके से अपलोड कीजिएगा और बहुत ही अच्छे से रैंकिंग भी करेगी और व्यूज़ भी कैसे बढ़ाने हैं वो भी मैंने आप लोगों को इसमें बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।